चलिए मेरे साथ बनाए 10 मिनट में नारियल की बर्फी। सबसे पहले तो नारियल को ऐसे धीरे धीरे करके करके से तोड़ेंगे। टूट गया है, इसका पानी निकाल लेंगे। नारियल के ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट छील के निकाल देंगे। अब इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट का भी बना सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा जूसी फ्लेवर आता है, इसलिए कच्चा नारियल का ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको एक पैन में ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको भूनेंगे और इसमें थोड़ा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी मिक्स किया है। इन दोनों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 3 से 4 लीटर दूध का फ्रेश मलाई है। इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से शुगर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर सबको मिक्स कर लें। लास्ट में मैंने इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। इन सबको मिक्स करें, 2 मिनट के लिए चलाएं और एक प्लेट में बटर पेपर पे इसको ट्रांसफ़र करें और इसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इसको बराबर कर लें। ऊपर से थोड़ा सा ये मैंने ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ ऊपर से गार्निशिंग के लिए, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। हल्का सा इसको प्रेस कर दें और आधे घंटे से 1 घंटे के लिए इसको ठंडा करें। फिर चाकू से इसको मनचाहे शेप में कट लगाएं। और इसको सर्व करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी जूसी ये होता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें घर में। बहुत कम टाइम में कम सामान से बन के रेडी हो जाता है और खाने में काफ़ी डिलीशियस इसका टेस्ट होता है। तो बनाइए इस रेसिपी को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।